पीछे जाया लास्ट बिल्कुल लास्ट जाए हो चलो उधर भाग उधर भाग उधर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कल यहाँ आगमन है और बड़ा उत्साह है और यहाँ की जनता की मांग थी कि योगी जी द्वारा एक यहाँ पर जनसभा हो और मुझे उनका भी आभार प्रकट करना है क्योंकि अत्यंत व्यस्त समय चल रहा है उनका। उत्तर प्रदेश में भी वो काफी व्यस्तम इस समय में से गुजर रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत आग्रह पर उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और मात्र 40-45 मिनट के लिए हमारे बीच में वो रहेंगे। उत्तर प्रदेश से ही चुनाव के अभियान को बीच में छोड़ करके यहाँ पधारेंगे और यहीं से वापस लौट जाएंगे और यहाँ पर लोगों में जिस प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा भी है, उत्साह भी है, उनको देखने की, उनको सुनने की व्याकुलता भी है, उसके चलते उन्होंने हमारी इस निवेदन को, अनुरोध को स्वीकार किया, हमारा मान बढ़ाया, उसके लिए आपके माध्यम से उनका। सर साहब, लगातार आप भी कंपेन कर रहे हैं, आपने जो क्षेत्र है आपके लोकसभा, तो किस तरह का लोगों का रुझान? इस समय तो आम जनमानस केवल राजनीतिक दल के सदस्य नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अथवा समर्थक नहीं, आम जनमानस गली कूचियों में चलने वाला, उसकी ये पुकार है कि मोदी जी को 400 पार से जिताना है। यह कि कांग्रेस पार्टी पहले ये स्पष्ट करे कि 370 आखी थे कि उसके बारे कोई गल नहीं करते, ऐसी पार्टियां करने लिए चला रहे रहो, PDP नैशनल कॉन्फ्रेंस जिड़ियां तो एक गलांदियां भी असें जे मौका लगे तो 370 दोबारा बहाल करनी है, तो फिर यह दसन कि उनके पक्ष से साढ़े पक्ष से, और ये जिहड़ी राजनीति करते रहे समाज की विभाजित करने की, वह हुण कामयाब नहीं होनी। एक जमाना है जिसलै इत्थे दे नेताएं दे बारे आखिया जाता भी श्रीनगर च एक बयान दिंदे, जम्मू च दूआ, त्रीआ, दिल्ली जाइए, हुण तुहाडे माध्यम कन्ने दो मिंटे च हर जगह पुजी जांदा। इस वास्ते नहीं हो सकता कि इत्थे हिंदू बनी जान ते परले पासे जाइए मुसलमान बनी जान, पहले उन्हें यह स्पष्ट करना होना भी उनका अपना की स्टैंड है। और इस वेले मोदी जी के प्रति ऐसी श्रद्धा है नारी शक्ति च, साडी युवा शक्ति च, कि मिगी एक आखने का भी साहस है कि जिहड़े कांग्रेस के नेता गुमराह करार दें समाज की, इन्हे अपने घर माता भैने भी मोदी जी की वोट पाना है। अपने कहते हैं जिसलै जिहड़ा अव्वल आने वाला व्यक्ति हुंदा हर बारी इम्तिहान जांदा तो उहदा कंपीटीशन अपने कन्ने हुंदा कि पिछली बारी कोलों ज्यादा अंक लैने, असां मोदी जी की 400 पार कराना ते अपना आप भी सिद्ध करना कि जे 3,58,000 कन्नै ये सीट असें मोदी जी की झोली पाई ही ते साडी अपनी अंतर आत्मा दे अगे परीक्षा है, वैसे उहदे कोला वध मार्जिन करने उन्हें आखना कि दिखो अस तुहाड़े मापदंड उपर तुहाड़ी कसौटी पर पूरे उतरने दे लायेगा। एक उत्साह है उन्हें सुनने का, उन्हें दिखने का, उसके चलते असें उन्हें व्यक्तिगत अनुरोध किया, उन्हें स्वीकार किया, बाकी वो जिथे भी जाते उनकी एक मान्यता है। दरअसल लगातार 3 रैलियां होनी जा रही है भाजपा की, कितने बड़ी चेंज आने वाली है क्या? ऐसा है कि ये हमारी पद्धति का एक सामान्य कार्यशैली का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, यहाँ कोई एंटाइटलमेंट पद की नहीं रहती, हमें से प्रत्येक सदस्य कार्यकर्ता है,
आपने देखा चुनाव कोई भी हो, पंचायत का हो, जिला इकाइयों का, स्थानीय इकाइयों का, विधानसभा का हो, संसद का हो, मोदी जी भी उतरते हैं उसमें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उतरते हैं, तो सब लग जाते हैं। ये 24/7/365 पार्टी है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये रैलियां जो हो रही हैं, ये संसभाएं हो रही हैं, हमारा एक सामान्य बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा है। कांग्रेस के पास कोई, कांग्रेस के पास अभी तक कोई स्टार कंपेनर नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही उनकी लिस्ट जारी हो रही है। क्या वहां पर ये धारणा है कि वो समझते हैं कि जो उनके तथाकथित स्टार कंपेनर है, यदि वो आ जाए तो चार वोट घट जाते हैं बढ़ने के वजह। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो कहा है उसका पालन नहीं किया और जम्मू कश्मीर उसका भुक्तभोगी है। ये उन्होंने कहा था 370 अस्थाई, लेकिन मोदी जी ने इसको स्थायी करके दिखाया, वो नहीं कर पाए। उनके अधूरे काम तो मोदी जी की सरकार ने किए हैं। ये वही है जो राम मंदिर की वो दुहाई देते हैं, लेकिन राम मंदिर मोदी जी ने बनाया। वो तो जितना मैनिफेस्टो में बातें कह गए वो अधूरी छोड़ गए, उसको पूर्ति मोदी जी ने की है। तो राम जी का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है।